तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे। हाय हाय लव यू माय फैमिली प्लीज विद होपफुली मैं संक्रांति मनाने जा रही हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ मैं भी। तो आज हम लोग जा रहे हैं ट्रिप करने अपने नेटिव प्लेस एंड वी आर गोइंग टू बिहार शरीफ अनदर सिटी फ्रॉम पटना एंड इट्स डिस्टेंस 80 किलोमीटर्स एंड अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी हम लोग हैं, ये आर ब्लॉक ओवर ब्रिज है। इस ब्रिज बनने से हम लोग जाम से कटते हुए डायरेक्ट निकल जाएंगे NH पे। और हम लोग अभी जा रहे हैं बिहार शरीफ। 80 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है यहाँ से। आप देख रहे हो ये हमारी पटना है, ये हमारी चनक्या होटल है। इट्स अ 5 स्टार होटल। देख रहे हो कितना ही अच्छा नज़ारा है, ये देख सकते हो। यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट निकल जाएंगे, राइट में विधानसभा है, अनीसाबाद है, जू है और हम लोग आगे से लेफ्ट लेने वाले हैं। ऐसी रोड रहेगा चाहिए, इसे तुरंत पहुँचने में 20 से 25 मिनट में। नॉर्मल हम 100 पे चलिए रहे हैं माँ, 80 100 कुछ बुझा ही नहीं रहा था रोड में माँ। ये सब 5 गियर से हम नीचे नहीं कर रहे इसको। गाड़ी का नाम 100 के 110 किस्में चल रहा है नॉर्मल, 120 140 धनियामा धनियामा जा रहा है। गाड़ी में आ जाए पीछे चालीस का स्पीड में क्यों ले रहा है भाई, गजब है तुम भी। नेशनल हाईवे पे भी इतना भीड़ है। तो फाइनली जो है हम लोग गाँव पहुंच गए हैं और आप मेरे सामने देख रहे होंगे जीप लगा हुआ है और हमारे जो बॉस हैं जीप को क्लीन कर रहे हैं, जो भी धूल वगैरह पड़ी थी आने के दौरान में। गाड़ी भरल है तो तू बैठू का ऊपर बैठू, हम ऊपर नहीं बैठ सकते, गिर जीबू तो हमको जंतर लेना है आपके जाने से पहले। अपनी बहन के बारे में कोई शिकायत करना चाहते हैं? हमारा बहन है तो ठीक है, मेरी बड़ी बहन है और मेरे बड़े भाई हैं, भागनी भागना समझ सब हम लोग एकदम सही है। प्रणाम मामा जी, आपका आशीर्वाद हमारे सराखों पे है और हमेशा रहेगा और आप लोग के ही बदौलत इस धरती पे हम हैं और हम यही इच्छा करते हैं कि इस बार आपको लंबी आयु की कामना करता हूं और आप बहुत जिएं, इतना जिएं कि जो हमारे छोटा सा उम्र है वो भी आपको लग जाए। जय श्री राम। गाइज आप जो पीछे देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये मिडिल में मेरी मदर है और इन दोनों उनके भाई हैं। और जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही दिनों के बाद में इनके यहाँ आया है और जैसा कि ये मेरे मोकलर देख रहे हो, ये हमारे मामा श्री ने हमें गिफ्ट किया है, जो कि बहुत ही मैं खुशनसीब हूँ कि इनके हाथों से कुछ मोकलर मिला है। तो अभी इतना ही, टिल दिस, थैंक यू। हेलो, देखिए मैं बथुआ का साथ पढ़ रही हूँ मैं अपने नानी के घर, मैं अपनी मामी जी के पास। और ये ना, ये चना है, देखिए ये चना है, ये बथुआ है, ये चना है, और ये सरसों है, सरसों। ये मेरे मामा का खेत है, इसमें से मैं निकाल रही हूँ, मुझे आ गया है करने। ये देखिए, ये मेरी मामी जी हैं, ये भी साथ दे रही हैं मेरा, देखिए ये भी दे रही हैं साथ। देखिए कैसे साग रखा जाता है आसाम की तरह। देखिए ये लोग ऐसे आसाम में पीछे साइड ये साग रखा जाता है, इसमें चना है, सरसों है, बथुआ भी है, और मटर भी है। वो मेरी छोटी लाडली बेटी है, उधर देखिए वो। मेरे सामने देख रहे हैं, इसी से मस्टर्ड ऑयल बनता है, और ये सरसों का खेती हो रही है। इट मीन्स मस्टर्ड फार्मिंग। ये सरसों का खेत है, देखिए सरसों के खेत में एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो 100 लोग लाइक कर दीजिएगा 1 मिनट में।